जलंधर जिमनी चोण की गल कर लईए तो सारिया पार्टिया के उम्मीदवार ने आपो अपने नामजदगी परचे दाखिल कर दिते ने। कल बीजेपी के उम्मीदवार इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने भी परचा दाखिल कर दिता है तो अकाली दल बहुजन समाज पार्टी गठजोड़ के उम्मीदवार सुखविंदर सुखी ने भी नामजदगी भर दिती है। तो हुण रस्मी तौर पर सारे उम्मीदवार चोण मैदान दे विच आ चुके ने। नामजदगी दाखिल करन तों बाद चोण अखाड़ा होर भख गया है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के उम्मीदवार गुरजंट सिंह कट्टू ने भी नामजदगी परचा कल दाखिल कर दिता है। नामजदगी परचा दाखिल करन तों बाद पत्रकारां नाल गलबात करदिआं डॉक्टर सुखविंदर सुखी ने कहा कि जलंधर ने पहला कांग्रेस ते फिर आप सरकार दौरान संताप हंडाया है। दोवें सरकारां केंद्री स्कीमां दा लाभ लैण ते जिला हस्पताल नूं मैडिकल कॉलेज विच तब्दील करन च नाकाम रहीआं ने ते शहरी बुनियादी ढांचे का भी हाल माड़ा ही है। उन्होंने दस्सिया कि वह खुद कल गुरु नानकपुरा रेलवे फाटक से एक घंटा फसे रहे। इस मौके डॉक्टर सुखविंदर सुखी ने अकाली सरकार दियां प्राप्तियां भी गिणवाइया। नामजदगी परचा भरन मौके उन्होंने पार्टी के प्रधान सुखबीर बादल तक सिरोजीवें करके नहीं पहुंचे पर पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा समेत बसपा पंजाब के प्रधान गढ़ी भी पहुंचे हुए सन। बीजेपी के उम्मीदवार इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने जदों नामजदगी भरी तो उन्होंने नाल बीजेपी के सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा समेत होर वड्डे लीडर हाजिर सन। इस मौके इंदर इकबाल सिंह अटवाल के हक विच बीजेपी लीडर ने चोण रैली भी की। भगवंत मान सरकार नूं घेरदिआं उन्होंने कहा कि पहले तीन महीनों के ही जनता नूं इन्हां दे झूठे वादियां की सच्चाई पता लग गई सी, इस करके ही आप नूं संगरूर दे विच जिमनी चोण दे विच हार दा मूंह देखना पिया सी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जलंधर जिमनी सीट है जिहड़ी जिमनी चोण है उसनूं वड्डे फर्क दे नाल जितेगी। सो जलंधर की जिमनी चोण के लिए हुण तक कुल 11 नामजदगियां दाखिल हो चुकिया ने, यानी कि 11 उम्मीदवार चोण मैदान दे विच ने, जिन्हां दे विचों 4 पार्टियां मुख ने, बाकी जिहड़ियां होर पार्टियां ने उन्हां दे उम्मीदवार भी चोण मैदान दे विच नितरे हुए ने। जलंधर पहुंचे पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्पष्ट किया कि साड़ी पार्टी सिद्धू मूसेवाले के नाम से कोई सियासत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह का जलंधर उपचोण दे विच आउण दा अपना फैसला है, उन्होंने निजी फैसला है। दरअसल मूसेवाले के पिता ने ऐलान किया होया कि वह जलंधर जिमनी चोण दरमियान आप सरकार के खिलाफ प्रचार करनगे क्योंकि उन्होंने 1 साल बीतण के नेड़े है पर हाले तक पुत के कतल का इंसाफ नहीं मिलिया। राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी की सरकार उत्ते वादे ना पूरे करन दे दोष लाए ते नशा तस्करी केस दे विच साबका SSP राजजीत सिंह हुंदल नूं बर्खास्त किते जाण ते टिप्पणी करदिआं वड़िंग ने कहा कि सवाल उठदा है कि इह सब कुछ चोणां दे नेड़े ही क्यों कीता गया है। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कल केंद्र सरकार तो मांग की है कि सूबे दियां 15 साल पुरानियां सरकारी गड्डियां स्क्रैप करन दी विधि विच तब्दीली की जाए तो सूबे नूं 50% अगाऊं केंद्रीय सहायता दिती जाए। दरअसल नवी दिल्ली दे विच सारे सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रांसपोर्ट मंत्रियों की मीटिंग केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी दे नाल हुई ते सारे सूबियां दे ट्रांसपोर्ट मंत्रियां ने केंद्रीय मंत्री नूं भरोसा दवाया कि जे 15 साल पुरानियां सरकारी गड्डियां स्क्रैप करन दी विधि विच तब्दीली हो जाती है तो पंजाब दे वल्लों स्क्रैप गड्डियां दे बदल वजों इलैक्ट्रिक वाहनां नूं तरजीह दित्ती जाएगी। नितिन गडकरी ने जवाब दे विच कहा कि पंजाब सरकार केंद्र नूं चिट्ठी लिखे ताकि इन्हां मंगां संबंधी अगलेरी कार्रवाई अमल दे विच लिआंदी जा सके।